तो आज ये सब बन रहा है चटनी वगैरह, तो मैं सोचा व्लॉग कर लिया जाए। आलू का भजिया बनेगा और ये इसका सब माल मटेरियल रेडी हो चुका है, और ये भजिया तैयार होने के लिए भी चल चुका है। एक और भजिया मिलेगा जब वो प्लेट प्लेट में आएगा, वो तब आपको दिखाऊंगा। ये आलू भजिया है एकदम मस्त, बहुत लगभग 1 साल के बाद। और ये देखिए ग्रीन वाला भजिया भी बना है, तो ये भी खाएंगे अपन। ये आज रात का डिनर है, अब कल सुबह मिलते हैं, बाय बाय। तो आज सुबह सुबह का नज़ारा है ये, आज बारिश हो रहा है, देख सकते हैं आप, हवा भी चल रही है, कोयल पत्ते उड़ रहे हैं, आगे नहीं जा सकता, देखते हैं कब रुकता है। तो अभी पानी बंद हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर कौवे लोग को खाना देने। अच्छा ही बारिश हुआ है, सब पेड़ में पानी आ गया है, पूरा भी गिल्ला। एक कौवा आ गया है, अभी लोग आ रहे हैं, थोड़ा सूखा है यहाँ पर, रख देता हूँ। अच्छा ही 1 घंटा बारिश हुआ, और अभी थोड़ा सा जो लाइट है वोल्टेज डाउन है, पता नहीं कब तक रहेगा देखो। और थोड़े थोड़े जगह मतलब मौसम एकदम ठंडा हो गया है, जितनी गर्मी लग रही थी उससे थोड़ा राहत है, देखो अब क्या होता है। मैं जा रहा हूँ अभी नाश्ता करने। एक और मुसीबत, अब लाइट गोल हो चुका है और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा, करे क्या, करे तो करे क्या। तो आज नाश्ते में बना है रोटी, दो ठो और सब्जी, थोड़ा सा गोभी शिमला मिर्च वाला। मम्मा उठो, मम्मा उठो, उठो, चलो उठ जाओ, उठ जाओ, मम्मा उठो, माम बोली है उसने, उठो। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा यहाँ कौवे बैठे थे, पेड़ बिल्कुल सूखा था, अब हरा भरा हो चुका है, और यहाँ भी पानी भरा हुआ है, इतना बारिश हुआ है। उधर पहाड़ आप देख सकते हैं, मस्त हरा भरा हो गया है फिर से, थोड़ा धूल मिट्टी लग गया था, सब साफ हो गया है। देखें कभी जाते बनेंगे जाएंगे। ए, तुम क्या कर रही हो, मुंडे में गंदा नहीं लग जाएगा बाल में? छी, इधर आओ, वहाँ पर पानी पड़ा है, मुझे वहाँ पर नहीं जाना, नहीं 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 जाना। अच्छा ठीक है, ब्रश करो, खाओ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? नीचे। क्या करने? खाना खाना। आज हम लोग चिकन खाने वाले हैं, चिकन। तो आज दोपहर के खाने में बना है मछली, तो इसके वो खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी मैं खा पी के आ चुका हूँ अपने रूम में, और अभी एक सब्सक्राइबर ने कहा कि लाइव कीजिए अब 1 kg लायरा माइक के साथ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बगल में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और नेट का भी प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है, तो रिचार्ज कराना पड़ेगा नेट के लिए, और देखते हैं फिर क्या होता है। हो सके तो ये मंडे को मैं लाइव कर सकता हूँ, देखते हैं अब जैसा भी होगा मैं बता दूँगा। 1 या 2 दिन पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूँगा कि मैं लाइव करूँगा या नहीं। तो अभी दोपहर का टाइम आजकल ऐसे ही जाता है, तो मैं सो जाऊँगा, थोड़ा लैपटॉप वगैरह चलाएंगे। बाकी मेरे पास ये जो माउस है ये ख़राब हो चुका है, और ये रेड गियर का है, यहाँ लिखा होगा, जब तक चला बढ़िया था, बाकी इसका ये जो है स्क्रोल वाला, ये जो है ये ख़राब हो चुका है, देखा टेढ़ा हो चुका है, सीधा नहीं है, एक साइड की डंडी टूट चुकी है,
बाकी बढ़िया है। यहाँ गलती से सैनिटाइजर पड़ गया था तो ये उखड़ गया रंग, और बढ़िया है ये ELE G9, ये मॉडल नंबर तो ठीक है, बढ़िया है, बड़ा भी है, साइज बड़ा है और बढ़िया है, अच्छा काम किया ये। तो मैं जाता हूँ अब, थोड़ा दोपहर वाला मेहनत वाला काम कर लेता हूँ, कूलर में पानी भर लेता हूँ और गमले में पानी डाल देता हूँ फटाफट से। तो अभी आम आ चुका है तो हम इसको भी खाएंगे अभी, बहुत दिनों बाद। तो अभी सो के उठ चुका हूँ मैं, और मैगी वनीला है, जल्दी बन जाता है इसीलिए इसी को खा लेते हैं। बी फॉर बॉल लिखो। वेरी गुड। तो आज के खाने में अंडा, दाल और रोटी, तो ये मैं खा चुका हूँ, बस थोड़ा सा बचा। तो बस यही था आज का दिन, अभी रात का खाना खा के हो चुका है, और अभी लॉकडाउन और 10 दिन बढ़ चुका है, और जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता मैं ये दाढ़ी नहीं कटवाने वाला बिल्कुल भी, मुझे भी नहीं कटाऊँगा। जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके एक दिन पहले कटाऊँगा, सीधा दुकान जाऊँगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों, गुड नाइट।